हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं एज़रा पॉइंट की पोएम द सॉन्ग ऑफ द डिग्रीज। इससे पहले कि हम सॉन्ग ऑफ द डिग्रीज की टेक्स्ट को पढ़ ले, जरूरी है कि हम एज़रा पॉइंट के बारे में थोड़ा जान लें। तो एज़रा पॉइंट एक पोएट और क्रिटिक थे अमेरिकन, जो कि 1885 में अमेरिका में पैदा हो गए थे, और इसकी जो डेथ थी वो 1972 को इटली में हो गई थी। एज़रा पॉइंट जो थे, ये इमेजिज्म जो मोमेंट थी, इससे ये इन्फ्लुएंस हो गए थे। यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थे। इमेजिज्म जो मोमेंट है, ये क्या है, ये किस चीज़ को प्रमोट करती है? क्लैरिटी को प्रमोट करती है, प्रिसीजन को प्रमोट करती है। इसके बाद टू द पॉइंट इसमें बात होती है। इसके अलावा इकोनॉमी अफोर्ड होती है, जिसमें पोइट जो है सिर्फ हिंट देता है, और यहाँ पर टेक्स जो मीनिंग होती है वो आपने खुद एक्सट्रैक्ट करनी होती है। इसके बाद इसमें एडजेक्टिव्स का यूज़ नहीं होता। इमेजिज्म की जो मोमेंट है, ये एक मोमेंट थी जिसमें एज़रा पॉइंट भी इसमें शामिल थी। इसके अलावा ऑटिसिज्म जो थी, इसने इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, जो कि इंग्लैंड में जो 1912 से और 1915 के बीच में ये मोमेंट ऑफ एस्टेब्लिश हो गई थी या शुरू हो गई थी। इसके अलावा ये मॉडर्न मोमेंट, इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एज़रा पॉइंट की। अब अगर हम इसकी पोएम की तरफ चले जाए या टेक्स्ट की तरफ चले जाए, तो सॉन्ग ऑफ द डिग्री, सॉन्ग का तो हमें पता है कि एक सॉन्ग जो एक गीत होता है, इसका माने होता है, लेकिन डिग्रीज का यहाँ पर मतलब है लेवल, स्टेजेस और लेवल्स ऑफ लाइफ, आर कंपैरिजन बिटवीन स्टेजेस और लेवल्स आर स्टेजेस, इसकी कंपैरिजन है। आगे टेक्स्ट में हम जाके इसको पढ़ लेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। तो चलिए इसकी फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं पोएम की। रेस्ट मे विद चाइनीज कलर्स, for I think the glass is evil. The wind moves above the wheat with a silver crashing, a thin wire of metal. So, rest me with Chinese colors. Rest me. Upon है, इसने जापानीज और जो चाइनीज कल्चर थी उसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया था, और इसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। तो इसी वजह से ये जो पेम है, ये स्पेसिफिकली कंपोज है ऑन चाइनीज कल्चर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें ये चाइनीज कलर्स, यहाँ पर कलर्स जो है वो चाइनीज की जो ट्रेडिशन है या कल्चर है वो उसको इंडिकेट कर रही है कि रेस्ट मी, यानी चाइनीज कलर ने मुझे इम्प्रेस किया है, इसकी ट्रेडिशन ने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। फॉर आई थिंक द ग्लास इज इवन, फॉर आई थिंक द ग्लास इज इवन, मेरा ख्याल है द ग्लास इज इवन। अब अगर हम यहाँ पर इमेजिनिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, तो ये इन दो सेंटेंस या दो जो आइडियाज है इसके बारे में ये कंपेरिजन है, यानी ये लाइन जो है ये एक डायरेक्शन में जाती है, और ये जो दूसरा लाइन है ये दूसरे डायरेक्शन में जाती है। पॉइंट जो है यहाँ पर सिर्फ आपको हिंट दे रहा है, और मानी जो है आपने खुद एक्सट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि इन दो लाइन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने खुद इनसे जो मीनिंग है वो एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो जो सेकेंड लाइन की मीनिंग ये है, द ग्लास इज इवन। अब ग्लास की जो बात करें, ग्लास एक मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो भी ग्लास हो सकती है, मिरर भी एक ग्लास होता है, दूसरी जो डोर में होती है वो भी एक ग्लास हो सकती है। तो यहाँ पर ग्लास की बात कर रहा है पोएट जो है, द ग्लास इज इवन। अब ग्लास किस तरह इवन हो सकता है, अगर हम ग्लास को देखें, तो जिस तरह एक मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, तो वो हमारी जो आउटर शेप है या आउटर जो बींग है वो उसको दिखाती है, वो उसको रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन वो हमारी इनर बींग जो है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या कह रहा है पोइट, कह रहा है कि द ग्लास इज इवल, इसी वजह से, क्योंकि ये हमें डिसीप्शन की तरफ लेके जाती है, ये हमें धोखे में रखती है, इसलिए कि हम अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं, यानी हमें पता ही नहीं होता कि ये बंदा असल में किस तरह है, यानी कि द ग्लास हमें शो नहीं कर सकता, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता हमारे इनर बींग को, सिर्फ हमारी आउटर जो लुक है वो उसको दिखा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें, तो ये ग्लास की जो सेंटेंस है इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम ले सकते हैं कि यहाँ पर वो वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहा है, जो अमेरिकन सोसाइटी है, कि ये क्या है, ये रियल नहीं है, अमेरिका जो चाइनीज ट्रेडिशन है या कल्चर है इसके साथ ये कंपेयर कर रही है कि इसमें कोई क्लियरनेस नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है, जिस तरह की इमेजिज्म जो है वो मोमेंट यहाँ पर ऑलरेडी उसकी जो ट्रेड्स है वो इस पोएम में यूज हो गई है। तो चलिए थर्ड लाइन की तरफ चलते हैं, द विंड मूव्स अबाउ द वीट विद अ सिल्वर क्रैशिंग। अब विंड जो है वो जो खेतों में जो वीट के जो फसल होती है, इसके बाव ये क्या करती है, हवा चलती है और इसके जो सर है वो उसको क्या करती है, बेंड करती है। अब जो बेंड करती है विद अ सिल्वर क्रैशिंग, तो एक मन ये भी है कि जो इसके सर होते हैं वो एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, और इसे ये एक
साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि किस तरह होती है विद अ सिल्वर क्रिएशन, जिस तरह सिल्वर जो आपस में इसको रखते हैं और सिल्वर की हम टचिंग करते तो ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह जो ये वीड के जो सर होते हैं या जो हेड्स होते हैं वो विंड की वजह से जब बेंड होते हैं तो वो किस चीज़ की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह जो स्टील होती है उसको फ्रिक्शन करते हुए आवाज़ प्रोड्यूस होती है, इस तरह इसकी जो फसल है वो भी वो आवाज़ प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा इसकी मानी ये भी है कि जो मटेरियल यूज होता है वीट की जो कल्टिवेटिंग के लिए हार्वेस्टिंग के टाइम में, तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है जिस जो मटेरियल की जो फ्रिक्शन होती है उसकी बात भी यहाँ पर करा है कि ये क्या करती है, तीन वार ऑफ मेटल यहाँ पर इसकी साउंड की प्रोड्यूस प्रोडक्शन दे रही होती है। I have known the golden disc। अब गोल्डन डिस्क यहाँ पर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है, ये सन को सिंबलाइज कर रही है। अब जिस तरह सन क्या है, ये रियलिटी है, सन की जो रिफ्लेक्शन है वो रियलिटी है, वो एक्चुअल है। अब आई हैव नोन इट मेल्टिंग अबाव मी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है। अब अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें प्रिसमो, तो यहाँ पर अगर हम सन की मिसाल ले लें तो जब ये रेस सन की रेस जब हम इस पर पास करते हैं प्रिसम पर, तो ये क्या करती है, सेवन कलर्स में ये स्प्लिट होती है। अब पोएट जो है यहाँ पर कह रहा है कि ये जो सन की जो रेस है ये एक्चुअल है, ये रियलिटी है, ये क्या है, ये रियलिटी है, लेकिन जब हम इसको पास कर देते हैं तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो रियलिटी नहीं होती, क्योंकि ये ग्लास जो है ये इवल होती है, ग्लास जो है ये हमें धोखे में रखती है, इसकी जो रेज है ये पैर असल से ये नकल बन जाती है। और ये सेवन कलर्स, अब सेवन कलर जो है ये कल्चर और ट्रेडिशन इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यह जो सेवन कलर्स है यह आपको या तो अट्रैक्ट करती है या आपको डिसिप्शन की तरफ लेके जाती है। तो पोएट इस पर यहाँ पर कह रहा है कि आई हैव नोन द गोल्डन सन, यानी चाइनीज जो ट्रेडिशन है ये जो कल्चर है उसको किस चीज़ के साथ ये कंपेयर कर रहा है, गोल्डन डिस्क के साथ, यानी कि सन के साथ कंपेयर कर रहा है कि ये सन की तरह एक्चुअल है, रियल है, इसमें क्लियरनेस है। हमें जो वेस्टर्न कल्चर है, जो अमेरिकन कल्चर है वो क्या है, वो रियल नहीं है। अब आई हैव नोन इट मेल्टिंग अबाव मी, आई हैव नोन द स्टोन ब्राइट प्लेस। अब यहाँ पर चाइनीज की जो स्टोन है या जो इम्प्रेस की जो पैलेस है वो इसकी बात कर रहा है कि आई हैव नोन द वाइट, जहाँ पर मार्बल लगे होते हैं, ये कह रहा है कि मुझे जिस तरह के वो स्टार्ट में हमने कहा कि उसने चाइनीज और जापानीज कल्चर को स्टडी किया था, तो यहाँ पर इसकी जो प्लेसेस है इम्प्रेस की जो जो महल है वो उसकी बात कर रहा है कि आई हैव नोन, मुझे इसका पता भी है, द हॉल ऑफ क्लियर कलर, वहाँ पर जो कलर होते हैं जब ये सन की जब रेज उस पर पड़ती है इन जो प्लेसेस है, तो यहाँ पर जो कलर्स है वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, वहाँ पर क्लियरिटी होती है, वहाँ पर कोई एम्बिग्विटी नहीं होती। की तरफ मुँह करते हैं, ओ ग्लास सडनली इवल, ओ कन्फ्यूजन ऑफ कलर्स, ऑल आर बॉन्ड एंड बैंड इन सोल ऑफ द कैप्टिव, व्हाई एम आई वांट, व्हाई एम आई सेंट अवे, Why is your glitter full of curious mistrust? तो ओ ग्लास सटली इवल, अब पैर से ये ग्लास की बात कर रहा है और पैर से ग्लास को क्या कह रहा है इवल कह रहा है, जिस तरह का हमने स्टार्ट में कहा कि ग्लास जो होती है वो इवल होती है, वो डिसिप्शन की तरफ हमें लेके जाती है, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल इनर बिल है, इनर सेल्फ जो है या रियलिटी जो है वो इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए पैर से ये ग्लास की बात कर रहा है कि ओ ग्लास सटली इवल, ओ कन्फ्यूजन ऑफ कलर्स, ओ कन्फ्यूजन ऑफ कलर्स। अब हमने जिस तरह के प्रिज्म में कलर्स की बात की या जो कलर्स दी जिसको सेवन कलर्स में ये स्प्लिट करती है जब हम इसको सन रेस पास करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि वो पोइट कह रहा है कि मैं कन्फ्यूजन हुई इसमें कि ये यह रियलिटी है, इज दिस रियलिटी और वेदर इट इज अ फॉल्स और रॉन्ग थिंग्स। पोइट जो है यहाँ पर कन्फ्यूज है, परप्लेक्स्ड है, पजल्ड है अबाउट द कलर्स, अबाउट द ट्रेडिशंस, दैट वेदर इट इज अ रियलिटी और इट इज अ डिसीप्शन। All I bond and bent in, अब प्रिजन में क्या करता है, बांड जो होती है बैंड हो जाती है जब इसको पास कर देते हैं, तो ये क्या करती है, लाइट जो होती है वो जब सन रेज इस पर पड़ती है तो ये जो लाइट है ये बैंड हो जाती है यहाँ से, तो इसकी बात कर रहा है, बॉन्ड एंड बैंड सोल ऑफ द कैप्टिव, व्हाई एम आई वांट, व्हाई एम आई सेंट अवे,
पॉइंट यहाँ पर क्या है कि मुझे क्यों नहीं पता चल जाता है, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा, व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज अ रियलिटी और इट इज अ डिसेप्शन। व्हाई इज योर ग्लिटर फुल ऑफ क्यूरियस मिस्ट्रस्ट। अब ग्लास की बात कर रहा है कि व्हाई इज योर ग्लिटर, आपकी जो चमक है इस पर मैं यकीन क्यों नहीं कर सकता, इस पर मैं ट्रस्ट, मुझे क्यों ट्रस्ट नहीं है। ओ ग्लास सटल एंड कनिंग, ओ पावरी गोल्ड, ओ ग्लास सटल एंड कनिंग। अब फिर से ये ग्लास की बात कर रहा है, कनिंग मीन्स चलाक, ओ पावरी गोल्ड, पावरी गोल्ड। अब यहाँ पर अगर हम मेकअप की मिसाल ले ले, मेकअप की, मेकअप तो जिस तरह एक जो मेकअप होती है, जब रियल फेस पे इसको पर चढ़ा देते हैं तो इससे दूसरी फेस बन जाती है, यानी कि आपकी रियल फेस जो होती है वो छुपा के कोई दूसरी फेस बन जाती है। इसी तरह मिरर की बात कर रहा है, एक ग्लास की बात कर रहा है कि आपकी जो जब हम इसमें अपना रिफ्लेक्शन देते हैं तो ये हमारा अपना जो फेस होता है या अपनी जो बींग होती है वो नहीं होती, क्योंकि हमारी अंदर की जो इनर बींग है वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। इस पर जो कोटिंग होती है वो हमारी आउटर बींग की होती है, यानी कि हमारे इनर बींग की पर आउटर बींग की कोटिंग होती है, इसलिए आप हमारे इनर बींग को नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते। तो यह पर जिस तरह मेकअप हो के वो हमारी इनर जो फेज है, जो रियल फेज होता है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता जो मेकअप है, बल्कि जो मेकअप की जो क्वालिटीज है वो उसकी जो होते हैं हम लगाते हैं तो वो सिर्फ लोगों को वही दिखाई देते हैं। तो ग्लास की इसी यहाँ पर बात कर रहा है कि ग्लास भी इसी तरह मेकअप की तरह होता है। और फिलामेंट ऑफ एम्बर ट्रोफेज्ड इरिडिसेंस, आप पैसे यहाँ पर इसने ट्रोफेज की बात की कि ग्लास जो है वो ट्रोफेज्ड होती है, यानी ग्लास सोसाइटी जो होती है वो ट्रोफेज्ड होती है, यानी कि एक इसका इनर जो सेल्फ होता है इसका आउटर सेल्फ होता है या आउटर बींग होता है, और ग्लास जो है या मिरर जो है वो इसकी आउटर सेल्फ को तो रिफ्लेक्ट, आउटर बींग को तो रिफ्लेक्ट कर सकता है लेकिन इसकी इनर जो बींग है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए ये जो मिरर है ये हमें डिसेप्शन की तरफ लेके जाती है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी किस चीज़ में है? चाइनीज कलर में है, चाइनीज ट्रेडिशंस में है, वहाँ पर क्लैरिटी है।